आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें। हे महादेव, जो इस वीडियो को पूरा देखा आप उसकी सारी मनोकामना पूरी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कम ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें स्वयं देवों के देव महादेव चुनते हैं, उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उनकी हर एक संकट से रक्षा करते हैं। जिसमें व्यक्ति को स्वयं भगवान शिव ने चुना हो तो इसका मतलब है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने कुछ तो खास बात है, इसके जीवन का कुछ तो उद्देश्य है, कुछ बड़ा करने का जो हर कोई नहीं कर सकता। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो इस बात का पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि भगवान की नज़र में आप एक असाधारण इंसान हो जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है, जिसके जीवन का उद्देश्य ही कुछ बड़ा करना है? वो भगवान का एक ऐसा प्रिय भक्त है जिससे लाखों में से चुना गया है। इसके लिए भगवान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत देते हैं जिनके जरिए ये आप जान सकते हो कि स्वयं भगवान ने आपको चुना है। जो पहला संकेत आपको मिलता है वो है जीवन में बार बार किसी सहयोग का घटित होना। अगर आपके जीवन में कुछ खास घटनाएं बार बार घट रही हैं, तो यह संकेत है कि ईश्वरीय ऊर्जा यहाँ आपकी ऊर्जा के साथ मिल रही है। अक्सर लोग इसे बस एक संयोग मानकर टाल देते हैं, पर ये सिर्फ एक संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का ही संकेत है कि आपके जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है। जब कोई एक चीज आपके साथ बार बार हो रही हो तो यह संकेत है कि शिव ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। वो कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा आदमी बनना, अपने लाइफ गोल्स को पाना, दूसरों की मदद करना या किसी बेहतर इंसान का मिलना, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक बार महादेव की कृपा किसी पर हो जाती है उसका पूरा जीवन और भाग्य बदल जाता है। वो अपने आप में ही एक असाधारण व्यक्ति होता है जिस पर स्वयं महादेव का हाथ होता है। जो दूसरा संकेत है वो है सपने में बार बार किसी सहयोग या घटना का होना। पहले संकेत में ये आपके साथ रियल लाइफ में होता है और जो दूसरा संकेत है उसमें यहाँ आपके साथ सपने में होता है। अगर सपने में आपको कोई घटना या सहयोग बार बार दिखाई दे रहा है या फिर कुछ शुभ हो रहा है, कुछ अच्छा बार बार होता दिखाई दे रहा है, भगवान शिव बार बार सपने में आपको दर्शन दे रहे हैं, तो बहुत किस्मत वाले हैं आप। जो भगवान शिव ने विशेष रूप से आपको चुना है, आपकी भक्ति में कुछ तो खास बात है जो सिर्फ आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए हुए है। कहानी भगवान के भोले भाले भक्त की। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते, धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्पबुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं जिनसे की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ना ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नव युवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोच कर ही वह पंडित के पास गया।
पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना के दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और नहीं प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो सालीग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा, अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहां ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे, यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। एक घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ने जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े सात प्रकार के अनाज गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। धन्ने के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे, वह पत्थर का सालग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया जिससे उसे तीन लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्ने के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया, उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्ने को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ने ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ने को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा।